हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। 14 और 16 का एचसीएफ क्या होगा? दो निकलेगा। कितना निकलेगा? दो। यदि द्विघाती बहुपद ये है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी बटे ए कर देंगे, मतलब कि 8/2, दो चौंकों 8, 4 आ जाएगा। क्या जाएगा? 4। इसमें क्या हो जाएगा बताना है, तो का कोई हल नहीं होगा, बी नंबर हो जाएगा। ये मूल समान है तो विभक्त कर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा विभक्त कर? B² - 4AC में रख के इसे हल कर देंगे। विभक्त कर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तीसवां पद निकालना है तो A+29D से हल कर देना, तो माइनस का 74 आ जाएगा। इसमें बताना है DA क्या हो। रिक्त स्थान दिए गए हैं, 4√3 1 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। द्विघाती बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2, इसमें होगा 5, इसमें द्विघात है, इसमें समांतर माध्य। समरूप त्रिभुज का संगत कोण होते हैं क्या? होते हैं बराबर होते हैं। 70 70 देख लेंगे। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ये गलत है। AX+B = 0 द्विघात समीकरण है, ये गलत है। यदि एक्स द्विघात के त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। सही है। क्या हो जाएगा? सही है। 1/√3 एक परिमेय संख्या, ये गलत है। एक बहुपद पी एक्स शून्य को उनके एक्स निर्देशांक होते हैं, ये y = px। ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा, इसमें बता देंगे क्या होगा। इसमें विभक्त कर 8 आएगा, तो B² - 4AC से हल करके B का मान यहाँ पे -4² 4×2×3, 4×16, 4×2×8=24। तो कितना आएगा? माइनस का 8 आएगा। कितना? -8 ले लेंगे। ये हमारी सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी सभी 6 की 6 देख लेना है, और एक वाक्य में उत्तर भी हमारे 6 दिए गए हैं तो 6 के 6 देख लेना है। यहाँ से क्रमशः क्वेश्चन देखना है, ये छठवा क्वेश्चन अथवा का ये दे रखा है, ये सातवां है अथवा का ये है। बहुपद X² - 15 के शून्य को अथवा में शून्यकों का योग 4 है, गुणनफल 1 है, बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनफल इसमें निकालना है, तो C/A से निकाल देंगे। ये 10वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन देख लेंगे दोनों, ये क्वेश्चन 11वें के 12वें के ये दोनों देख लेंगे, 13वें वाले देख लेंगे। 14वें में समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है, D दे रखा है, अगले 4 पद निकालना है तो निकाल लेंगे अथवा का ये है। 15वां क्वेश्चन ये है। ये हमारा 16वां क्वेश्चन है। 17वां देख लेना है और 18वां क्वेश्चन, क्रमशः दोनों क्वेश्चन देख लेना है। 19वां क्वेश्चन, 20वें वाले में रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना अथवा का ये दे रखा है। ये 21वां है, योग और गुणनफल दे रखा है, इसमें गुणनखंड विधि से हल करना है। 22वां क्वेश्चन ये है, और ये जो है हमारा लास्ट 23वां क्वेश्चन, तो इसे भी पूरा देख लेना है।